हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री। थ्योरम प्रूव करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल की रेडियस के बाह्य सिरे पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन, ये उस सर्कल की टेंजेंट लाइन होती है। यह आप देख सकते हैं, एम ये सर्कल का सेंटर है, लाइन एल ये टेंजेंट लाइन है जो रेडियस एम एन को पॉइंट एन पर परपेंडिकुलर होकर सर्कल को एन पॉइंट पर टच करती है। सो ये लाइन एल ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है, यही हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे गिवन है एम इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। सो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है एम, सेगमेंट एम एन ये रेडियस है, एंड लाइन एल सेगमेंट एम एन पर पॉइंट एन पर परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे हमें प्रूव करना है लाइन एल इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि लाइन एल ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। टेक एनी पॉइंट पी अदर देन एन ऑन द लाइन एल। सो इस प्रकार से लाइन एल पर एन के अलावा एक पॉइंट पी लेना है, एंड इस पॉइंट पी पर पॉइंट एम से एम पी ए सेगमेंट ड्रॉ करना है। नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल एन इज राइट एंगल। सो यहाँ पे इन ट्रायंगल एम एन पी में एंगल एन ये राइट एंगल है। सो हमें पता है ट्रायंगल के 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। सो यहाँ पे सेगमेंट एम पी ये हाइपोटेनस होगी। हियर एम एंड एन एम पी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एम एन पी। सो देयर फोर सेगमेंट एम पी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट एम एन। सो यहाँ पे सेगमेंट एम एन ये रेडियस है, इसलिए पॉइंट पी ये सर्कल पर नहीं हो सकता। इसका मतलब लाइन एल के पॉइंट एन के अलावा सर्कल पर दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं है। देयरफॉर लाइन एल ये सर्कल को ओनली वन पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करती है। देयरफॉर लाइन एल ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है, और यही हमें प्रूव करना था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।